बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वी स्टोन ब्रिज, जो कि एक एप्लीकेशन है, एक सर्किट है जिसमें अननोन रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू कंपेयर रेजिस्टेंसेस एंड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। और इसकी जो डायग्राम है वो एक मेश की फॉर्म में है। इसमें चार रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक R1, एक R2, R3 एंड R4, और इनके दरमियान एक गैल्वानोमीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस RG के इक्वल है। इन चारों में से एक रेजिस्टेंस अननोन रखी जाती है जिसको फाइंड करना, और तीन रेजिस्टेंसेस नॉन वैल्यूज़ की होती हैं। और एक स्विच है यहाँ पे और एक EMF सोर्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ड्रॉ की है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ड्रॉ किया जा सकता है, उससे हमारी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हम किरचॉफ सेकंड रूल में जब अप्लाई किया था एक सर्किट प्रॉब्लम पे, कम्प्लेक्स सर्किट में, तो उसमें भी देखा कि अगर हम करंट डायरेक्शन रिवर्स भी कर दें तमाम लूप्स में, उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तीन लूप्स बन रहे हैं, एक लूप है AB D एंड बैक टू A, दूसरा लूप है BC D एंड बैक टू B, और तीसरा AD C एंड बैक टू A। तो फॉर लूप AB DA, ये वाला लूप है, इसमें करंट है I1, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। बी से स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट लिया जा सकता है, तो यहाँ पे बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी से एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले आएगा R1 और करंट है यहाँ पे I1, तो यह आ जाएगा -I1 R1, यहाँ तक पहुँच गए। फिर आना है A से D की तरफ, और ये R3 रेजिस्टेंस जो है ये इस लूप और ये जो नीचे वाला लूप है इसमें कॉमन है, इसलिए I1 में से I3 माइनस करेंगे, I1 माइनस I3 इंटू R3। अब D से वापस B तक जाना है, तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये इन दोनों लूप्स के अंदर कॉमन है, तो इसलिए I1 से I2 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा I1 माइनस I2 इंटू RG इज इक्वल टू 0। तो ये इस लूप की इक्वेशन आ गई। अब दूसरे लूप की बात करते हैं, तो फॉर लूप BCD एंड बैक टू B, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलना है। C से शुरू करते हैं, तो C से पहले B की तरफ जाएंगे तो R2 रास्ते में आती है, तो यहाँ पे I2 R2 हो जाएगा। फिर B से D की तरफ आएंगे तो अब अगेन ये गैल्वानोमीटर है रास्ते में, तो I2 माइनस I1 इंटू RG आ जाएगा। और उसके बाद जब D से C की तरफ जाएंगे तो R4 रास्ते में आती है, और ये इस वाले लूप और इस नीचे वाले लूप में कॉमन है, तो यहाँ पे इसलिए I2 माइनस I3 करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे R4 से, तो इक्वेशन 2 आ गई। अगर पोटेंशियल एट पॉइंट B और पोटेंशियल एट पॉइंट D ये दोनों बराबर हो जाए, जिसको हम बैलेंस कंडीशन कहते हैं, अगर ये बराबर हो जाए तो फिर इनका डिफरेंस 0 के बराबर होगा, और जब डिफरेंस 0 के बराबर होगा तो इस गैल्वानोमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और I1 I2 के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला करंट यहाँ से इधर आ जाएगा और यहाँ वाला करंट यहाँ से इस तरफ आ जाएगा। इस गैल्वानोमीटर की तरफ ना D से B की तरफ करंट जाएगा, ना ही B से D की तरफ, तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू I2।
तो जो क्वेश्चन नंबर वन और टू लिखी हैं, यहाँ पे हमने आई वन की जगह पे आई टू या फिर आई टू की जगह पे आई वन पुट करना है। तो पहली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में मैं ये पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे आई टू की जगह पे मैंने आई वन पुट कर दिया, तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया यहाँ पे, बाकी ये रह गया और ये माइनस वाली, ये सारी टर्म इस तरफ राइट साइड पे आके पॉजिटिव, और ये क्वेश्चन थ्री बन गई। अब यही आई वन और आई टू इस क्वेश्चन टू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी आई टू की जगह पे आई वन पुट करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो गेन ज़ीरो हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ गई, और यहाँ से माइनस वाली साइन ये रकम जो है वो राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन फोर आ गई। अब इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर पर डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला रिलेशन हमारे पास आ गया, यहाँ पे माइनस साइन से कैंसिल, आई वन से कैंसिल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई वन माइनस आई थ्री, आई वन माइनस आई थ्री से कैंसिल होगा, तो ये आ गया आर वन आर टू ओवर आर टू इज इक्वल टू आर थ्री ओवर आर फोर। अगर इन चारों वैल्यूज़ में से तीन वैल्यूज़ हमारे पास मालूम हो तो हम फोर्थ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज के आर फोर अननोन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर देंगे, तो आर एक्स बराबर आ जाएगा आर टू ओवर आर वन इंटू आर थ्री, तो इस तरह से हम आर एक्स यानी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस लेबॉरेटरी के अंदर ये सर्किट किस तरह से मौजूद होता है। तो ये एक लकड़ी की एक स्ट्रिप होती है, तकरीबन ये 1 मीटर लॉन्ग हो सकती है, इसके ऊपर मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, ये कनेक्शन है जहाँ पे वायर्स कनेक्ट की जाती हैं, ये वायर होती है 1 मीटर लेंथ की, और यहाँ पे वो वायर कनेक्ट की जाती है जिसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है आर एक्स, और इन दो टर्मिनल्स पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स कैलकुलेट किया रखा जाता है, ये लेबॉरेटरी में मौजूद होता है, और ये इनकी कीज़ हैं, जितनी वैल्यू की आप इस सर्किट से इस बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे उतनी रेजिस्टेंस सर्किट में शामिल हो जाएगी। ये कैसे काम करता है इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो फिलहाल इसको आप फिजिक्स लेबॉरेटरी में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये दरमियान में गलवानोमीटर कनेक्ट किया जाता है, और उसके दूसरा टर्मिनल यहाँ पे एक जॉकी के ज़रिए, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ज़रिए इस वायर के ऊपर मूव किया जाता है। जब इस जॉकी को आप लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करेंगे तो इसकी नीडल एक तरफ जाएगी, जब आप राइट साइड पे कनेक्ट करेंगे तो दूसरी तरफ जाएगी, जो कि इसके कनेक्शन की करेक्टनेस को शो करेगी कि आपने बिल्कुल सही कनेक्शन किए हैं। और यहाँ पे इसको आप इस तरह से मूव करते हैं कि गलवानोमीटर ज़ीरो रीडिंग शो करे, तो फिर हम इस रेजिस्टेंसेस को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स है जहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं 50 ओम तक है, ये यानी ये वाली की अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये 50 ओम को शो करेगा, अगर आप साथ में ये वाली की भी निकाल लेते हैं तो 50 प्लस 20 ये 70 ओम हो जाएगा, तो ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, जबकि ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10,000 ओम तक है, सिर्फ ये की निकालने से सर्किट में 10,000 ओम की रेजिस्टेंस शामिल हो जाएगी, अगर आप साथ वाली की भी इसमें से निकालते हैं तो ये टोटल 15,000 ओम की रेजिस्टेंस हो जाएगी, इस तरह से बाकी रेजिस्टेंसेस भी हैं।